Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you solution of exercise of chapter number 13, Sound of Science, Standard 8. Question number 1 is, choose the correct answer. First one is, sound can travel through. Options are, gases only. Second option is, solids only. Third is, liquids only. And fourth one is, solids, liquids and gases. अब साउंड जो है वो कहाँ से ट्रैवल होता है. ऑप्शंस दिए हैं, ओनली गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स और सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस ऑल. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. साउंड जो है वो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस तीनों में से पास हो सकता है, बट इट रिक्वायर्स सम मीडियम. चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, कोई भी मीडियम चलेगा. वो वैक्यूम से पास नहीं होता है, वैक्यूम से वो ट्रैवल नहीं करता है. नेक्स्ट वन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वॉइस इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी. अब किसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, बेबी गर्ल, बेबी बॉय. ऑप्शन सी इज अ मैन, ऑप्शन डी इज अ वुमन. अब किसका वॉइस जो है उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, बेबी गर्ल की, बेबी बॉय की, मैन की या वुमन की. आंसर इज अ मैन, बिकॉज मैन जो है ना उसका जो साउंड है वो उतना हाई पिच नहीं होता, सो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो काफ़ी लो होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू और फॉल्स. वी नीड टू स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट इज, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. साउंड जो है ना वो वैक्यूम के अंदर से ट्रैवल नहीं कर सकता. इज इट ट्रू और फॉल्स? आंसर इज येस, इट इज ट्रू, बिकॉज साउंड रिक्वायर्स सम मीडियम टू ट्रैवल. नेक्स्ट वन इज, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. अब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो होते हैं उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं. इज इट ट्रू? नो, इट इज़ फॉल्स, बिकॉज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड जो है उसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, साउंड इज फेबल. अगर एम्पलीट्यूड हायर है वाइब्रेशन का तो उसका साउंड फीबल होगा. इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ फॉल्स, बिकॉज अगर एम्पलीट्यूड जो है वो लार्ज है तो साउंड जो है ना वो श्रिल होता है, हाई पिच्ड होता है. नेक्स्ट वन इज, फॉर ह्यूमन्स ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 Hz to 20,000 Hz. ह्यूमन ईयर्स की ऑडिबल रेंज जो है वो 20 से लेके 20,000 यानी कि 20 kHz तक होती है. इज इट ट्रू और फॉल्स? येस, इट इज ट्रू. नेक्स्ट वन इज, द लोअर फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच. लो अगर फ्रिक्वेंसी होगी तो उसकी पिच हाई होगी. इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स, बिकॉज फ्रिक्वेंसी हाई होगी देन ओनली पिच वुड बी हायर. नेक्स्ट वन इज, अनवॉन्टेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक. अगर कोई अनवॉन्टेड या अनप्लीजेंट साउंड है तो उसको हम म्यूजिक बोलते हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स, बिकॉज अनवॉन्टेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज नॉइज. नेक्स्ट वन इज, नॉइज पॉल्यूशन मे कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट. अब नॉइज पॉल्यूशन की वजह से पार्शियल इम्पेयरमेंट इट मीन थोड़ा कम सुनाई देगा, हियरिंग जो है उसमें इश्यूज होंगे. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स. हमें यहाँ पे कुछ फिलअप्स दी है, उसमें आंसर्स फिल करने हैं. फर्स्ट वन इज, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड डैश. अब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? आंसर इज टाइम पीरियड. नेक्स्ट वन इज, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन. अब वॉइस जो है, साउंड जो है वो कितना लाउड है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? सो इट इज़ डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कितना है. नेक्स्ट वन इज, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डैश. यूनिट जो है फ्रीक्वेंसी का वो क्या है? इट इज हर्ट्ज एंड इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल एच एंड स्मॉल जेड. उसको भी हम हर्ट्ज ही पढ़ते हैं.
नेक्स्ट वन इज अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड डैश. अब जो अनवांटेड साउंड है उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट नॉइस, राइट. सो करेक्ट आंसर इज नॉइस. नेक्स्ट वन इज श्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाई द डैश ऑफ वाइब्रेशन. अब कोई भी साउंड जो है वो कितना श्रिल है, कितना हाई पिच है, वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, इट इज डिटरमाइंड बाई द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 times इन 4 seconds, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी. एक पेंडुलम जो है वो 4 सेकेंड के अंदर 40 times जो है वो ऑसिलेट होता है, तो हमें क्या करना है, उसकी टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं, वो कैलकुलेट करने हैं. आंसर इज फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पर सेकेंड. अब फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, फ्रिक्वेंसी कैसे डिफाइन करते हैं, तो फ्रिक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइड बाई टाइम पीरियड. सो हियर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू 40 vibrations डिवाइड बाई 4 seconds. सो इट इज 40 divided by 4 is 10 hertz. एंड वॉट अबाउट द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन और इट इज़ द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड. अब हम बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है, कि ऑसिलेशन कम्प्लीट करने में कितना टाइम लगता है. सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 divided by 10 विच इज़ इक्वल्स टू 0.1 second, यानी कि एक 0.1 second के अंदर ना एक ऑसिलेशन कम्प्लीट होता है और उतना उसका टाइम पीरियड है एक ऑसिलेशन का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 vibrations per second. वॉट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन. अब हमें यहाँ पे दिया है कि मॉस्किटो जो है वो आपने सुना होगा, आपके आसपास कहीं पे मॉस्किटो है ना, तो उसके जो विंग्स जो है वो वाइब्रेशन उसका है वो हमें क्लियरली सुनाई देता है. वो कब सुनाई देता है, अगर 500 vibrations per second है तो. तो टाइम पीरियड कितना लगेगा, आंसर इज टाइम पीरियड गिवन बाई द इनवर्स ऑफ द फ्रिक्वेंसी, वो फ्रिक्वेंसी के इनवर्स से मिलेगा. सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 divided by frequency ऑफ ऑसिलेशन विच इज इक्वल्स टू 1 divided by 500 एंड 1 divided by 500 इज 0.002 second. सो टाइम पीरियड टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन इज 0.002 second इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द पार्ट which vibrates to produce sound in the following instrument. अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं उसमें से कौन सा पार्ट जो है उसका वाइब्रेट होता है. फर्स्ट वन इज ढोलक, आंसर इज डायफ्राम और वी कैन से स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. अब ढोलक के अंदर उसके दोनों साइड से जो डायफ्राम होते हैं यानी कि स्ट्रेच मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट होती है. नेक्स्ट वन इज सितार, आंसर इज स्ट्रिंग, सितार की जो स्ट्रिंग्स है वो वाइब्रेट होती है. नेक्स्ट वन इज फ्लूट, फ्लूट के अंदर क्या वाइब्रेट होता है, एयर कॉलम, उसके अंदर जो एयर भरी हुई होती है उसमें वाइब्रेशन होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक, कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स. अब हमें ये बताना है नॉइज और म्यूजिक इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या कभी म्यूजिक जो है वो नॉइज बन सकता है. आंसर इज नॉइज मीन्स अनवांटेड साउंड दैट इज अनप्लीजेंट टू हियर इज कॉल्ड नॉइज. अब नॉइज किसको बोलते हैं, कोई ऐसा साउंड है जो अनवांटेड है या तो हमें सुनना पसंद नहीं है उसको हम नॉइज बोलते हैं. म्यूजिक इज अ प्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड म्यूजिक. अब जो प्लीजेंट साउंड होता है जो सुनने में अच्छा लगता है उसको हम म्यूजिक बोलते हैं. म्यूजिक कैन बिकम नॉइज एट मैनी इंस्टेंसेज, वैन सम वन ट्राइज टू एन्जॉय वेरी लाउड म्यूजिक इट कैन बी नॉइज फॉर सम वन एल्स. अगर आपको सपोज म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है और लाउड वॉइस पे अच्छा लगता है देन इट इज़ साउंड फॉर यू, इट इज़ म्यूजिक फॉर यू, आपको ये सुनना काफ़ी अच्छा लग रहा है. बट अगर घर पर कोई ऐसा एडल्ट है जिनको ये लाउड वॉइस पे कुछ म्यूजिक सुनना अच्छा नहीं लगता देन उनके लिए ये क्या बनेगा, नॉइज बन जाएगा, राइट. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो आपके लिए म्यूजिक है वो दूसरों के लिए भी म्यूजिक है, इट माइट बी पॉसिबल कि किसी और के लिए नॉइज हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन योर सराउंडिंग्स.
आपके आसपास नॉइज़ पॉल्यूशन के जो भी कॉजेज़ है, किन किन वजह से सोर्सेज कौन से हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के, वो हमें बताना है. आंसर इज सम सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन इज़ टेलीविजन, डीजेज एंड ट्रांजिस्टर्स रनिंग एट हाई वॉल्यूम्स. नेक्स्ट वन इज लाउड स्पीकर्स एंड क्रेकर्स. नेक्स्ट इज हॉर्न्स ऑफ कार्स, बाइक्स, बसेस, ट्रक्स. एंड लास्ट वन इज होम अप्लायंसेज सच एज मिक्सर, डेजर्ट कूलर एट्सेट्रा. अब हमारे घर के अंदर भी कुछ ऐसे सोर्स है नॉइज़ पॉल्यूशन के, और इवन आउटर साइड भी होते हैं, जैसे टेलीविज़न या तो डीजे जो है वो लाउड म्यूज़िक पे अगर हम बजाते हैं हाई वॉल्यूम पे तो वो नॉइज़ बनेगा. लाउड स्पीकर है, क्रेकर्स जब हम फोड़ते हैं तो ये भी नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करता है. ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो हम हॉर्न बजाते हैं उससे भी नॉइज़ प्रोड्यूस होता है. और मिक्सर है, डेजर्ट कूलर, एयर कंडीशनर, ये जो हम घर के अंदर अप्लायंसेस यूज़ करते हैं उससे भी नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमंस. अब नॉइज़ पॉल्यूशन हमारे लिए कैसे हार्मफुल है वो हमें एक्सप्लेन करना है. आंसर इज नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमंस इन मैनी वेज. कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू नॉइज़ पॉल्यूशन कैन क्रिएट मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन एंड मे इवन लीड टू द लॉस ऑफ हियरिंग. नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो हमारे लिए काफ़ी तरीके से हार्मफुल होता है. अगर कोई इंसान ऐसा है जो कंटिन्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में रहता है तो उनको एंजाइटी हो सकता है, वो डिस्टर्ब रहते हैं, काफ़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, ऐसे इश्यूज़ होते हैं, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का इश्यू होता है, और इवन माइट बी पॉसिबल कि उनको नो लॉस ऑफ हियरिंग होगा यानी कि वो सुन नहीं पाएंगे या तो पार्शियली वो सुनने में प्रॉब्लम होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस. दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन द रोड साइड एंड अनदर थ्री लेंथ्स अवे फ्रॉम द रोड साइड. विच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट्स शुड बाय? एक्सप्लेन योर आंसर. अब आपको एक घर खरीदना है, आपके पेरेंट्स ने एक घर ऐसा देखा है जो रोड साइड पे है और दूसरा घर ऐसा देखा है कि रोड साइड से ना थ्री लेंथ्स जो है वो दूर है. तो आपको अपने पेरेंट्स को सजेस्ट करना है कि आप कौन सा घर प्रेफर करोगे. आंसर इज देर विल बी मोर नॉइज इन द हाउस विच इज़ अलोंग द रोड साइड ड्यू टू नॉइज प्रोड्यूस्ड बाई ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स लाइक कार, बसेस, ट्रक्स, बाइक्स मे कॉज ट्रबल टू द रेसिडेंट्स. ऑन द अदर हैंड द हाउसेज विच इज़ थ्री लेंस अवे फ्रॉम द रोड साइड वुड बी क्वाइटर. देयरफॉर इट इज़ एडवाइजेबल टू Take the house that is three lengths away from the roadside. अब अगर आपका घर जो है ना वो रोड साइड पर है तो ऑटोमोबाइल्स जो है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के जितने व्हीकल्स हैं उन सब के हॉर्न की वजह से ना काफ़ी डिस्टर्बेंस रहेगा, काफ़ी सारा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है. अगर आप थ्री लेंस दूर रहते हो रोड साइड से तो वो काफ़ी शांत जगह होगी, वहाँ पे उतना ज़्यादा हॉर्न का डिस्टर्बेंस नहीं होगा. सो डेफिनेटली इट इज़ एडवाइजेबल कि आप थ्री लेंस जो दूर घर है ना वही परचेज करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्केच द लैरिंग्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स. अब आपको क्या करना है, लैरिंग्स का जो डायग्राम है वो ड्रॉ करना है और आपको अपने ही वर्ड में उसका फंक्शन बताना है. आंसर इज लैरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ द थ्रोट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड. अब लैरिंग्स क्या है, थ्रोट क्या एक पार्ट है कि जो साउंड प्रोड्यूस करता है, उसका फंक्शन यही है. हियर डायग्राम ऑफ द लैरिंग्स इज गिवन, जिसमें विंड पाइप जो है वो उसका अपर पोर्शन जो है वो ये लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स होता है. दिस पोर्शन इज कार्टिलेज. कार्टिलेज इट मीन्स वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता बोन्स की तरह एंड ये मसल्स के जितना सॉफ्ट भी नहीं होता, जिसके अंदर ये टू वोकल कॉर्ड्स होते हैं एंड आउटर जो अपर पोर्शन है विच इज नोन एज एपिग्लोटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइटनिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम एंड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अस. लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर. कैन यू एक्सप्लेन? अब आपने देखा होगा कि लाइटनिंग एंड थंडर जब होते हैं ना वो दोनों सेम टाइम पे ही होते हैं, बट हमें लाइटनिंग जो है ना वो पहले दिखाई देती है, उसके बाद वो थंडर स्टॉर्म की आवाज़ सुनाई देती है. ऐसा क्यों होता है, दैट वी नीड टू एक्सप्लेन. आंसर इज
The speed of light is greater than the speed of sound. Due to this, light reaches to us faster than sound. Hence, during lightning, we see the streak of light earlier than the hearing of sound of thunder. अब लाइटनिंग जो है ना उसकी स्पीड ज़्यादा होती है साउंड के स्पीड से. सो क्या होगा कि लाइटनिंग जो है ना वो हमारे तक जल्दी से पहुंचती है एज़ कम्पेयर टू द साउंड. इसीलिए हम लाइटनिंग पहले देखते हैं और थंडरस्टॉर्म के जो साउंड है ना वो बाद में सुनाई देता है. सो हियर आई हैव एक्सप्लेन यू एंटायर एक्सरसाइज. थैंक यू.